नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। विधानसभा निर्वाचन 2018 की मतगणना के लिए नियत स्थल पुरानी केंद्रीय जेल भोपाल में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड और निर्देशानुसार तैयारियां पूर्णतः की ओर अग्रसर है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा का पृथक मतगणना हॉल निर्धारित किया गया है, जहां पर आयोग के निर्देशानुसार पोस्टल बैलेट के साथ ईवीएम के मतों की गणना भी की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा हॉल में दो दो कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, फोटोकॉपी मशीन, फैक्स मशीन, एसटीडी टेलीफोन और राउंड वार परिणाम घोषित करने हेतु लोक उद्घोषणा सिस्टम और ईटीपीएस की मतगणना हेतु क्यूआर कोड स्कैनर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा के परिचय पत्र कलर कोड द्वारा निर्धारित किए गए हैं। बच्चों को जब किसी विशिष्ट व्यक्ति के स्नेह और दुलार के साथ साथ उपहार मिलता है तो उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है और उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। ऐसा ही अवसर शासकीय माध्यमिक शाला कुम्हारपुरा के स्कूल के बच्चों के लिए था, जब उन्हें राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आमंत्रित कर खेलकूद का सामान, चित्रकला सामग्री और बाल साहित्य की किताबें बांटी। राज्यपाल ने बच्चों से कहा कि हमें अपना हर काम स्वयं करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मबल बढ़ता है और हम सक्षम बनते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर रायसेन कलेक्टर एस प्रिया मिश्रा सहित अनेक अधिकारियों को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा झंडे लगाए गए। इस अवसर पर कलेक्टर और अधिकारियों द्वारा सैनिकों के कल्याण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों के लिए सहयोग राशि दी गई। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर जिले से 5,31,000 रुपए की सहायता कर राशि एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध जिले में 5,35,041 रुपए की राशि संकलित की गई है। इस अवसर पर एसडीएम रायसेन संजय उपाध्याय और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के कैप्टन मुश्ताक अहमद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। चेन्नई में 4 से 6 दिसंबर 2018 तक खेली गई 38वीं राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ताइक्वांडो अकादमी के खिलाड़ियों ने 8 पदक जीते। पदक में 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही अकादमी के खिलाड़ियों ने बालक वर्ग में ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। चैंपियनशिप में देश के करीब 28 राज्यों के खिलाड़ियों ने भागीदारी की। विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए होने वाली मतगणना हेतु मतगणना कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण शुक्रवार को संपन्न हुआ। रतलाम जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने इस दौरान निर्देश दिए कि मतगणना कर्मी अपना कार्य सजगता और सावधानी के साथ करेंगे। प्रत्येक कार्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के दायरे में होगा। कोई भी आपत्ति और विकट स्थिति आने पर मतगणना कर्मी अपने रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल बताएंगे, प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर सुरेश कटारिया ने दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।